आपकी तो बहुत अच्छी शॉपिंग हो गई है ना आइन, अब तो आप खुश हो गए ना, इतने अच्छे कपड़े ले लिए आपके। जल्दी बताओ अनु, नहीं खुश हुए? भैया अनु का तो मूड किसी तरीके से खुश होता ही नहीं है। अब हम लोग जा रहे हैं कहाँ, सब बताओ जल्दी से, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? यूनाइटेड फूड जा रहे हैं अब हम लोग। आइन की शॉपिंग हो गई, मार्केट सारी बंद हो गई, अब हम कल लेंगे ईमान और आइन के कपड़े, अभी हम जा रहे हैं यूनाइटेड। यूनाइटेड फूड है ना, तो देखिए वेरी गुड। चलो 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 गाइस, ये यूनाइटेड फूड है, हम आ गए हैं। ये मेन्यू कार्ड और उस्मान को थोड़ी सिलेक्शन करने में देर लगेगी। उस्मान को समझ आ रहा है? नहीं, इधर तो देखे अच्छा ड्रामे बाज। अभिया हाय हाय करो, हेलो गाइस, हेलो गाइस कर दो। अभिया को तो बस बॉक्स नज़र आ गए और अभिया बस पीछे लग गई है, लेकिन हमने पार्सल नहीं लेना है, हमने यही खाना है। सो आएगा हमारा वही रिवायती जिंगर जैसा कि हर बार होता है। मैं और उस्मान कुछ भी खाएं, आइन और ईमान जिंगर ही मंगाएंगे। ईमान आपने क्या खाना है? पता ही था। आइन आपने क्या खाना है? ईमान के एक्सप्रेशन देख लें। ईमान आपकी शॉपिंग नहीं हुई, आप क्या कहना चाहती हैं? नाराज़ नहीं है आप? ईमान की शॉपिंग कल होगी, मार्केट सारी बंद हो गई थी। ईमान नाराज़ तो नहीं हो ना? ईमान को जिंगर दे दो, कोई नाराज़गी नहीं है, कुछ नहीं है, बस ईमान ने जिंगर खाना था। ओवर एक्टिंग। अभी आप बताओ, आपको शूज़ नहीं दिलाए, कपड़े नहीं दिलाए बाबा ने? नहीं दिलाए काका को? काका को लोने वाली शक्ल हुई है। काका ने जिंगर तो खाना है ना, खुश हो जाओ, बस खुश हो जाओ। आई ना, आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी सारी शॉपिंग हो गई, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा। कितना अच्छा? बहुत। एक्सक्यूज मी, हाय। बस अब अनु की भी सब ओवर एक्साइटेड हो गए। अनु का ऐश हो गया, अनु की तो सारी शॉपिंग हो गई। अरे ये सेल्फी थोड़ी है, व्लॉगिंग चल रही है यार। ये चटनी और सैलेड देख के मुझे आजम की याद आ गई, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, आजम की भी एक स्टोरी है। ईमान के एक्सप्रेशन, ईमान आपका जिंगर। अब ईमान को इसके अलावा मैं किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाने दूंगी, सही है ईमान? और ये हमारा बहुत प्यारा मेरा बेटी। आइन की शॉपिंग हो गई, मार्केट बंद थी, हम लोग खाना वाना खाते हुए आ गए घर पर। और अब बीहा और ईमान की, सॉरी मैंने पहले भी आइन और ईमान कह दिया था, तो आइन की हो चुकी है शॉपिंग, अब बीहा और ईमान की शॉपिंग करने अब हम लोग जाएंगे कल दोपहर में, क्योंकि अभी सारी मार्केट बंद हो गई थी, लेट हो गए थे हम लोग, तो अब कल जाएंगे। अब अच्छा, मैंने रेस्टोरेंट में कहा था के रायता और सैलेड को दे, वो चटनी और सैलेड को देख के मुझे आज़म की याद आ गई। सो स्टोरी टाइम, आज़म हमारे घर में, मेरा देवर मेरे शौहर का कज़न है आज़म, और वो हमारे घर पे रुकने आया था कुछ टाइम पहले, जब हम लोग अपने घर में, मतलब हमारे सास ससुर के घर में हम रहते थे, तो वो मेरे ख्याल में 2 या 3 महीने के लिए रहने आया था हमारे साथ, तो उसका
उसका ये था हमारा जब हम कहीं पे भी शादी वादी में जाते थे तो मैं उसको फिर कितनी ही कोई सीरियस बात चल रही हो कुछ भी हम लोग उस जब हॉल में बैठे होते थे कोई बात कर रहे होते थे तो मैं उसको बोलती थी आज़म एक बहुत ज़रूरी बात सुनो और वो इतना सीरियसली बिल्कुल आके पूछता था जी भाभी क्या बात है और फिर मैं उसको बोलती थी रायता और सैलेड सबसे पहले तुमने उठाना है क्योंकि शादी ब्याह में सबसे पहले ये ख़त्म हो जाता है और मेरा हर बार का यही होता था वो इतनी सीरियस बात कर रहा होता था और इतनी सीरियसली वो आता था जी भाभी क्या बात है और मैं उसको बोलती थी आज़म रायता और ये सबसे पहले उठाना है तुमने और हर हर शादी में हम जाके हम लोग इतना मजा करते थे। ओके गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।